अगर आप किसी चीज के सपने देख सकते हो तो आप उसे हासिल भी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 5 मई के करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं सभी के सभी आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो कर रही है और इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि चैनल से ऐसे ही वीडियोस के आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व अस्थमा दिवस यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे 2021 जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 4 मई 2021। याद रखिएगा, 4 मई 2021 को 2021 का विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। देखिए, ये डेट चेंज होते रहता है क्योंकि जो आपका विश्व अस्थमा दिवस है ये हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस साल मई महीने का पहला मंगलवार पड़ा था 4 मई को, इसलिए हमने 4 मई 2021 को क्या मनाया, विश्व अस्थमा दिवस। और विश्व अस्थमा दिवस 2021 की थीम है अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना, यानी कि अनकवरिंग अस्थमा मिस कॉन्सेप्शन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न कि कोयला खनिक दिवस यानी कि कोल माइनर्स डे जो है कब मनाया जाता है। देखिए, कोयला खनिक मतलब जो कोयला का खनन करते हैं यानी कि कोल माइनर्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो उनके लिए 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। इसका इतिहास थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, कोयला खनिक दिवस 4 मई को औद्योगिक क्रांति के कुछ महान अनसुने नायकों की कड़ी मेहनत की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। और देखिए, भारत में जो कोयला खनन है इसकी शुरुआत हुई थी 1774 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जान समर और सुयोटोनियस ग्रांट हिडली ने दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे के साथ रानीगंज कोल फील्ड में वाणिज्यिक खोज शुरू की थी। तो याद रखिएगा, जो कोयला खनिक दिवस है ये कब मनाता है, 4 मई को हर साल। तीसरा प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए, जो का अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है इसको 4 मई को मनाते हैं हम, और इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ठीक है। देखिए, 1999 से हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में एक बुश फायर में दुखद परिस्थितियों में 5 अग्निशामकों की मौत के बाद जो है इस दिन की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, 4 मई को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे जगमोहन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, जो आपके जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं जगमोहन, इनका जन्म 1927 में अविभाजित भारत के हाफिजाबाद पाकिस्तान में हुआ था। और देखिए, जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनने के अलावा ये भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे और इन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर के पद को जो है 2 बार संभाला था और ये कई अन्य राज्यों के भी जो है गवर्नर के पद को संभाल चुके थे। तो जगमोहन जी जो है, याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। पांचवा की थिसारा परेरा किस देश के क्रिकेटर हैं। देखिए, ये चर्चा में क्यों है ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले बता दूं, थिसारा परेरा जो है ये श्रीलंकन क्रिकेटर थे और अभी हाल ही में इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। देखिए, ये जो है टोटल 12 सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं और दिसंबर 2009 में इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और इन्होंने जो है श्रीलंका के लिए कुल 6 टेस्ट मैच, 166 वनडे मैच, देखिए 166 वनडे मैच में इन्होंने कुल 2338 रन बनाए थे और 175 विकेट लिया था और 84 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे जिसमें इन्होंने 1204 रन बनाया, 51 विकेट लिए। और देखिए, एक चीज़ और है, जो आपके थिसारा परेरा हैं, ठीक है, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ही केवल संन्यास लिया है, ये जो है घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे, यानी जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो गया मतलब आपका आईपीएल वगैरह टाइप का हो गया तो इसको खेलना जारी रखेंगे और घरेलू मतलब जैसे कि आपका इंडिया में होता है रणजी ट्रॉफी वगैरह तो उसको घरेलू क्रिकेट बोलते हैं, तो ये सब खेलना अपने देश में थिसारा परेरा जारी रखेंगे। छठवां की कोटक महिंद्रा लाइफ ने किस व्यक्ति को अपना नया MD नियुक्त किया है। तो देखिए, कोटक महिंद्रा लाइफ ने जो है महेश बाला सुब्रमण्यम को अपना नया MD अपॉइंट किया है और इन्हें जो है जी मुरलीधर की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही जो आपके सुरेश अग्रवाल जी हैं, ठीक है, एक और व्यक्ति हैं सुरेश अग्रवाल, इनको कोटक जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO बनाया गया है। तो यहाँ पे आप सरल शब्दों में दो नाम याद रख सकते हैं कि महेश बाला सुब्रमण्यम बनाए गए हैं कोटक महिंद्रा लाइफ के MD और सुरेश अग्रवाल बनाए गए हैं कोटक जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO।
सातवां कि यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 11% घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए आपको बता दूं, जो आपकी बार्कलेज कंपनी है, ठीक है, इसने कहा कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 11% नहीं रहेगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह बंद है और बिजनेस वगैरह ठप पड़ा है, तो इसको घटाकर इसने 10% कर दिया है। और आठवां प्रश्न, ये हाल ही में किसी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है, जबकि पीवी सिंधु है और मिशेल ली हैं, इन दोनों को जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। ठीक है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोनों दोनों, यानी कि पीवी सिंधु भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, भारतीय हैं, और मिशेल ली भी जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका मुख्यालय आपके यहाँ पे है स्विट्जरलैंड के लॉजन में, और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाग, और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, नवा किस अमेरिकी राज्य में भारतीय अमेरिकियों की सबसे अधिक आबादी है? तो देखिए ये अमेरिकी राज्य आपका कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में जो है भारतीय अमेरिकियों की सबसे अधिक आबादी है। देखिए अभी हाल ही में जो आपका कैलिफोर्निया राज्य है अमेरिका का, ठीक है, इसने COVID-19 मामलों की मौजूदा लहर को काबू करने के लिए भारत को जो है जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की घोषणा की है। देखिए हमारे भारतीय लोग चाहे विदेशों में कहीं भी हों, उन्हें भारत की चिंता रहती है, इसलिए ये ऐसी मदद कर रहे हैं। और देखिए यूएसए के बारे में एक चीज़ आपको बता दूँ, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ। देखिए जो आपका यूएसए है, नाम ही है क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ये कई सारे स्टेट का एक यूनाइटेड एसोसिएशन है, और इस एसोसिएशन में 50 स्टेट शामिल है। जैसे कि भारत में जो है बहुत सारे राज्य को मिलाकर एक भारत राज्य बना, भारत देश बना है, ठीक है, तो उसी प्रकार यूएस क्या है, 50 राज्यों का एक संघ है, और इसकी कैपिटल है Washington DC, पॉपुलेशन है 32.82 करोड़। दसवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने की घोषणा की है? तो देखिए तमिलनाडु जो है ये अपने राज्य के जो मिट्टी के खिलौने हैं उन सभी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देगा। देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या फिर भौगोलिक संकेतक एक प्रकार की मुहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर। देखिए आज क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है कि पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है, इसका आंसर बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, बताइए। तीसरा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस सितार वादक का COVID-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया, बताइए। पांचवा कि विश्व टूना दिवस कब मनाता है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाता है, तो देखिए इसको हम 2 मई को मनाते हैं। दूसरा था कि दीपिका कुमारी और अतनु दास जो हाल ही में खबरों में थे ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो देखिए ये दोनों तीरंदाजी जुड़े हुए हैं। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश के द्वारा निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंची, तो देखिए ये देश रूस है। और चौथा था कि हाल ही में किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का परीक्षण किया गया, तो देखिए कैलिफोर्निया में जो है विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का परीक्षण किया गया हाल ही में। पांचवा था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष कितने हेक्टेयर वृक्ष और वन आवरण को जोड़ा जाएगा, तो देखिए टोटल 2 लाख हेक्टेयर वृक्ष और वन आवरण को भारत में जोड़ा जाएगा, ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और उसको तुरंत लाइक करके शेयर कर दीजिए, लूना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी सोशल मीडिया के लिंक दिए गए वहाँ पर क्लिक करके सबको ज्वाइन भी जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।